उनके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जब विकास होगा तो रोड खुदेगी भी और बनेगी भी। पूरा 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 विकास हो रहा है। इस विकास की कड़ी में सतना में इतने काम चल रहे हैं, सतना के जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, वो आने वाले समय में सतना ऐसा दिखेगा कि आगे इंदौर और अन्य महानगरों के तर्ज पर सतना का काम हो रहा है। आपके हिसाब से विकास हो रहा है, कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, सुना आपने, बीजेपी का कहना है विकास हो रहा है, इंदौर को मात कर देगा सतना। आप ये बताइए कि विकास हो रहा कितने बरस से? 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 साल से सड़कें खोद रही हैं। तो ये सड़कों के खोदने का विकास कब तक होगा? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। इन्हीं लोगों से पूछिए कि ये 50,000 रुपए बिजली के बिल देने में सक्षम है कि नहीं है। बेरोजगारी की स्थिति ये हो गई है कि एक भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही। महंगाई ये हो रही है कि आप सब्जी अकेले नहीं खा सकते हो, दाल चावल तो खत्म रहा। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जनता अस्त व्यस्त हो चुकी है, भूखों मर रही है, 2 जून की रोटी नहीं खा पा रही है और आप बोल रहे हो विकास हो रहा है। जवाब ले लेते हैं, सुना आपने, जवाब लीजिए। बिजली पर, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं दे पा रही आपकी सरकार, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो बोल रहे हैं कि 20 साल से लगातार हम बेरोजगारी बढ़ रही है और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, 50,000 रुपए बिल आता है, मुझे नहीं लगता कि वो गांव अभी बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वो एक तरफ तो बिल की बात कर रहे हैं, वो भूल गए क्या 2003 के पहले का दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश? भूल गए क्या कि जब लाइट ही नहीं तो बिल कहां से आएगा? और उसके बाद भी लाइट से करंट नहीं लगता था दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, और बिल आता था तब करंट लगता था जनता जनार्दन को। जब तक आप 2003 को ध्यान में रख करके, 2003 के पहले दिग्विजय सिंह का 10 साल का कुशासन, कांग्रेस के कुशासन की याद नहीं रखोगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की ये 20 साल, भारतीय जनता पार्टी के 20 साल कभी समझ नहीं आएंगे। हम भूल गए हैं कि जब हमें सतना से रीवा जाना पड़ता था दिग्विजय सिंह कार्यकाल में, तो पहले सतना से अमरपाटन जाते थे, फिर अमरपाटन से रीवा जाते थे। और आज की हालत क्या है? आज इनको विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं, सतना का मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहा है, सतना का ये रोड नहीं दिख रही है। रीवा ऐसे शहर है जहां से 5-5 4 लेन हाईवेज बन के तैयार हुए हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि 30 साल में कांग्रेस की सरकार बाणसागर का पानी नहीं ला पाई। आज 140 किलोमीटर कैनाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 140 किलोमीटर कैनाल बना करके हम गुड़ देव। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। मनासा और नीमच वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज रामपुर मनासा बृहद सूक्ष्म सिंचाई योजना 1208 करोड़ 89 लाख की, इसका भूमि पूजन हुआ है और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके सूखे खेतों में ये उद्वहन सिंचाई योजना पानी लेके आएगी और खेतों में ऐसी हरियाली आएगी कि आप पंजाब के किसानों को मात कर देंगे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आती, आप भी सोचना, आज भाजपा माता कॉरिडोर का भी हमने यहां पे शुभारंभ भूमि पूजन किया है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, मनासा वालों, नीमच वालों, गांधी सागर बांध पहले भी था, बताओ था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, था कि नहीं? गांधी सागर में पानी पहले भी था, बताओ था कि नहीं? गांधी सागर भी था, पानी भी था, लेकिन इस पानी को लाने की बात जब कांग्रेस की सरकारों से करते थे, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से करते थे, तो वो कहते थे असंभव,
ये हो ही नहीं सकता। ये पानी शब्द कोश में नहीं है, हर खेत में पानी जाएगा, ये संकल्प हमारा है। और इसलिए अभी तो गांधी सागर, ये मनासा रामपुरा योजना है, एक नीमच जावद योजना को भी जल्दी शुरू करूंगा और उस तरफ भी गांधी सागर का पानी जाएगा। 3,500 करोड़ रुपए की वो योजना है, क्यों कांग्रेस ने नहीं किया? कभी सवाल तो पूछे। आजकल कमलनाथ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, 18 सालों का हिसाब दो। ए कमलनाथ, जब तेरी पार्टी की सरकार थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? सड़कों का अता पता नहीं था, दादा मुझसे बात कर रहा है। और बताओ नीमच से मनासा से भोपाल जाने में पहले कितने घंटे लगते थे? अरे याद करो, कितने घंटे? 10 घंटे। अब कितने लगते हैं मेरे बहनों और भाइयों? ये परिवर्तन है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप बताओ कांग्रेस के राज में बिजली मिलती थी क्या? मेरे भांजे भांजियों, तुमने तो मामा का राज देखा है रे, तुमने वो राज देखा ही नहीं है। आती नहीं थी, सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन आज मैं अपनी लाडली बहनों से बात शुरू करूंगा। मेरी बहनों, ये अपना परिवार है। देखो मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? जोर से बताओ। अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं। ये अपना पूरा परिवार, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, भांजे भांजियां, ये मेरे किसान भाई, ये नौजवान, ये बेचारे अतिथि शिक्षक, ये अतिथि शिक्षक खड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और तो बेटियां पर रह जाती थी 900 ही, 1,000 बेटों पर 900 बेटियां।